तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बर्मन एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, कितना अच्छा होता कि अगर आप इस बार इंटर पास आउट होते। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जुलाई से नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो शुरू। दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति बनी है वो मतलब बहुत ही यूजफुल है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट मेरे को बहुत अच्छे लगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपके पेपर अभी ईयरली होते थे, एक साल में एक बार होते थे, वो सिस्टम अब ख़त्म कर दिया है। अब आपका सेमेस्टर हुआ करेगा, यानी कि 6 महीने में आपके पेपर हुआ करेंगे। 6 महीने 6 महीने, यानी एक साल में आपके 2 सेमेस्टर ख़त्म हो जाया करेंगे। BA BSc BCOM तीनों का शेड्यूल यही रहेगा। आपकी परीक्षा अब सेमेस्टर वाइज हुआ करेगी, यानी जुलाई से जो नया सेशन चलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे मेरे को क्या अच्छी लगी है कि इसमें तीन सिलेक्शन किए गए हैं इसके। आपकी डिग्री 3 साल की भी होगी, 4 साल की भी होगी, 5 साल की भी होगी। अब देखो किस किस तरीके से किया गया है। अगर आप 3 साल की डिग्री करते हो तो यहाँ पे आपको सिंपल डिग्री मिलेगी, जैसे BSc BCOM BA, तो आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 साल की करते हो तो 4 साल की डिग्री करोगे। अगर आप फिर एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन में लेते हो तो आपका सेकंड ईयर में एडमिशन होगा। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप 12th कर लेते हो और फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हो, तब आपको अगर PCM से आपने 12th किया है तो आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है पॉलिटेक्निक के। ये आपका एक साल छोड़ देते हैं वो। इसी प्रकार जैसे ही आपने अगर 4 साल की डिग्री की है ना, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का एक साल छोड़ देंगे, आप फिर डायरेक्टली फाइनल ईयर में एडमिशन लोगे। चाहे आप फिर MSc करो, MA करो और फिर MCOM करो, अपने अपने सिलेक्शन के हिसाब से होता है ना वो। तो अगर आप 4 साल वाली डिग्री करते हो तो आप फाइनल में जाओगे सीधे, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है। इसके जो तीसरी कंडीशन है, अगर आप 5 साल की डिग्री करते हो तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर 5 साल की डिग्री करोगे तो आप सीधे PhD में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि 5 साल वाली डिग्री में आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन वो डिग्री में ही समाप्त हो जाती है, फिर आप PhD के लिए डायरेक्टली पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को ये बहुत अच्छी बात लगी। दूसरी अच्छी बात क्या लगी कि अभी तक क्या होता कि अगर मैंने सेकेंड ईयर किया है, मतलब सेकेंड ईयर BA BSc BCOM किसी में भी हूँ, और मैंने ड्रॉप कर दिया किसी कारणवश से, या मैं नहीं पूरी कर पाया, कुछ भी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी ऐसा मेरे सामने मतलब पॉइंट आता है, तो क्या होगा। अगर मैंने 1 साल किया है ना, तो मेरे को 1 साल की डिग्री मिले, मतलब सॉरी 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाए कि हाँ इस बंदे ने 1 साल BSc में लगाया, BCOM में लगाया, वगैरह वगैरह। अगर 2 साल में भी आप ड्रॉप कर देते हो, 2 साल पूरे करके तीसरे साल में ड्रॉप कर देते, तो आपको 2 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। अब उसका फ़ायदा अलग अलग उसी के अकॉर्डिंग क्षेत्र में हुआ करेगा कि हाँ भाई, जब आपकी नौकरी लगी कि हाँ तूने 2 साल किया तो चलो तुझे भी कुछ काम, मतलब उसकी भी कुछ एबिलिटी मानी जाएगी। तीसरा, अभी तक क्या होता था कि मतलब कुछ आप कोर्स नहीं चुन सकते थे अपनी मर्जी से, PCM वाले फिर डायरेक्टली वही BSc करते थे, उनको अदर्स कोर्सेस लेने का हक नहीं था, वो भी सिचुएशन ख़त्म हो गई है। अगर आप मतलब PCM साइंस के स्टूडेंट हो और आप दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आप मतलब इंडिपेंडेंट हो, आप ले सकते हो। तीसरा, यहाँ पे मेरे को क्या अच्छा लगा वो ये कि आप एक साथ कम से कम 4 डिग्री कर सकते हो, एक साथ कम से कम 4, यानी कि आप अगर BSc कर रहे हो तो आप लॉ की भी डिग्री कर सकते हो, मतलब सॉरी BSc में तो पता है पहले उसमें तो ग्रेजुएशन करनी पड़ती है फिर लॉ करना होता है, बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप लॉ भी कर सकते हो इधर, या कुछ और भी आप डिग्री कर सकते हो, यानी कि BCOM के साथ BSc वगैरह कुछ मतलब मल्टीपल डिग्री कर सकते हो। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात लगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके वो क्लियर कर दिए हैं, बाकी तो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जब जुलाई में ऐसा कुछ होगा, अभी तो कोरोना का चल रहा है, देखते हैं कैसा होगा। तो चलिए, अभी तक के लिए धन्यवाद।